हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं एक कमाल की न्यूज़ बताने वाला हूँ। अगर आप टिकटॉकर हैं या टिकटॉक यूज़ करते हैं तो ये कमाल की न्यूज़ सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, टिकटॉक बंद होने के बाद बहुत से लोग परेशान हैं इंडिया में उसको अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए। तो एक अल्टरनेटिव भी आया है इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका नाम है रियल, जो कि टिकटॉक का बिल्कुल अल्टरनेटिव है, जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू लॉन्च होने वाला है। उसमें बिल्कुल टिकटॉक की तरह वीडियो बना पाएंगे, फेंक पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे, एंड जो जो आप टिकटॉक में करते थे बिल्कुल उसी तरह आप उसको यूज़ कर पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये आज लॉन्च होने वाला है 8 तारीख को इंडिया में। तो ये फीचर अगर आपके पास अभी नहीं आए तो थोड़ा वेट करिएगा, आ जाएगा। बाकी नहीं तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा ये फीचर। तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे वीडियो बनाना है, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। फिलहाल इंस्टाग्राम के बीटा ऑप्शन बीटा वर्जन पे आया है, तो ये भी अगर आप नॉर्मल इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आपके सभी आया नहीं होगा ऑप्शन। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा। इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जब स्टोरी पे डालते हैं, स्टोरी पे क्लिक करेंगे डालने के लिए, तो आप देखेंगे पूरा लेआउट यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कैमरे के बगल में आपको रील्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप रील्स में जाएंगे। रील्स में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है। आप पहले तो यहाँ पर ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होना चालू हो चुकी है। आप देख रहे हैं ऊपर टाइमिंग चल रहा है, जो कि 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है पूरी। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर रिकॉर्डिंग होना चालू हो चुकी है। देखेंगे स्टॉप हो चुकी है। अब यहाँ से आप म्यूज़िक डाल सकते हैं, जूम स्पीड कर सकते हैं, स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं जो वाले जो इफ़ेक्ट दिए हुए हैं इंस्टाग्राम के, जो इफ़ेक्ट हैं आप डायरेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पर। टाइमर के सेट कर सकते हैं किस टाइम पर कितने वीडियो चले, कितने टाइमर पे पहले आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, तो ये वो टाइमर के लिए दिया गया है। जो नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है ये देखेंगे आप, इसको कर लेता हूँ पहले नॉर्मल, फिर आपको समझ में आएगा। ये नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है, ये अभी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो चुका है तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ पहले क्लियर, तो आपको पता लग जाएगा। ये नीचे ये तो टाइमर का ऑप्शन है, आप टाइमर सेट करके कि पहले कितने मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कितने सेकंड की, तो उससे सेकंड बाद ही वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी। आप देखेंगे चल गया, टाइमर लगने के बाद जाएगी। और जो नीचे वाला ऑप्शन दिया है वो इसलिए दिया है लाइन के लिए, आप देख रहे हैं अलाइन होना चालू हो चुका है। ये सिंपल यहाँ से वीडियो आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं, एंड देन यहाँ से आप पोस्ट कर पाएंगे। तो सिंपली जैसे मैं एक अपनी पुरानी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने डाउनलोड करके रखी थी टिकटॉक की वीडियो एक, तो मैं वही वाली अपलोड करता हूँ। मेरी वीडियो है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अपलोड। तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोडिंग। तो इसका लेआउट तो वैसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीटा वर्जन है तो थोड़ा वैसे ही स्लो चल रहा है। बाकी ये अगर नॉर्मल में आएगा तो ये अच्छा यूजर्स पे चलना चालू हो जाएगा। अब ये हो चुकी है क्लिप एडिट मेरी, अब क्लिप हो गई एडिट। मैं यहाँ पर म्यूज़िक भी चेंज कर सकता हूँ, स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ, उसकी इफेक्ट डाल सकता हूँ, टाइमर से और अगर वीडियो आगे बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, एंड देन अलाइन करके और आगे वीडियो बना सकता हूँ। अब मुझे जैसे वीडियो आगे बढ़ाना है या कट करना है तो जैसा चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ पोस्ट, ये पोस्ट करने के लिए मुझे देखना है यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप हैशटैग लगा सकते हैं, जो भी हैशटैग लगाना चाहें आप, जैसे टिकटॉक में भी करते थे और पहले इंस्टाग्राम पे भी आप हैशटैग लगाते थे। लाइक मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ हैशटैग। हैशटैग लगाने के बाद मैं अपने अपना ही नाम का एक हैशटैग लगा देता हूँ। हैशटैग लगाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर स्टोरी में भी पोस्ट कर सकते हैं ये, एंड देन मैं यहाँ पर स्टोरी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया। इसके बाद आप करेंगे यहाँ से शेयर करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा लोडिंग चल रही है। अब जैसे ही लोडिंग पूरी हो जाएगी तो आप वहाँ से रील्स के अंदर घुस जाएंगे और आप टिकटॉक की तरह दूसरी वीडियो वहाँ पर देख पाएंगे। एक मिनट, ये लाइक मैं अपने प्रोफाइल में चलता हूँ। अब मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट करी थी उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये प्रोफाइल में वीडियो आएगी नहीं, इसी में दिखेगी न्यू फीड पे। एक मिनट अपडेट हो जान दीजिए, मैं उसके बाद पूरी बता देता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो डाली थी, दिख जाए तो अभी ये स्टोरी में तो आप देख रहे हैं लग गई वीडियो, स्टोरी में तो पोस्टिंग हो चुकी है, अभी पोस्ट हुई नहीं है। तो दोस्तों ये नया फीचर जो कि टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम पे आया है रील्स का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा,
टिकटॉक के जाने के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन आया है रील्स। इंस्टाग्राम एक अच्छा प्राइवेसी सेफ चलता है, सेफ सिक्योरिटी के सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चालू हुआ है, अब यहाँ पर लग चुका है मेरा स्टोरी लग ये एंड देन ये पोस्टिंग होना चालू हो चुकी है वीडियो की। थोड़ा सा आप देख रहे हैं पोस्ट होने ही वाली है, बस मैं अगर वहाँ पर स्टोरी पे नहीं करता तो अब तक ये पोस्ट हो चुकी होती। तो थोड़ी सी स्पीड में स्लो चल रही है, लास्ट ऑप्शन बचा। ये आप देख रहे हैं स्टोरी तो डल चुकी है मेरी, इसमें कोई भी उन्होंने नाम नहीं दिया। अभी आप देख रहे हैं जैसे टिकटॉक का साइड में नाम आता था, इन्होंने कोई नाम तो नहीं दिया है, नॉर्मली वहाँ से प्ले हो रही। आप देख रहे हैं अब सर्च में जाएंगे तो आपको रील्स का दिखने लगा है। आप यहाँ पर जैसे ही रील्स पर क्लिक करेंगे जैसे वीडियो आ रही है, ये टिकटॉक की तरह वीडियो ऊपर करते जाएंगे, वीडियो ना चालू हो जाएंगी सारी। आप यहाँ डबल क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। यहाँ से किसी के प्रोफाइल में जाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोफाइल में जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल टिकटॉक की तरह है और कोई बग नहीं है। लाइक जैसे रोपोस हो और दूसरी उसके से तो बहुत ही अच्छी ऐप है, चलाने में मस्त चल रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल मस्त चल रही है, जो मैंने वीडियो बनाई थी चुकी है। आप देखेंगे ऐसी वीडियो दिखने लगी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर वॉच रियल में करूँगा तो ये यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगी। जैसे ही मैं रियल्स पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे वीडियो प्ले ना होना चालू हो गई, और जैसे ही मैं डबल टैप करूँगा वहाँ लाइक का ऑप्शन आप देख रहे हैं दिख गया है, 1 लाइक दिख रहा है। और नीचे कमेंट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कमेंट का ऑप्शन भी वहाँ पर दिखना चालू हो चुका है कि कमेंट किसने मारे हैं। अभी तो कमेंट किसी ने मारे नहीं है, इसलिए मेरा ही हैशटैग वहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू।